सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा प्रभाव बृहस्पति के अस्त हो जाने पर? देखिए, समय है कालांतर में विशेष तौर पर क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है उसको हमें समझ लेना चाहिए, और आज हम इसी बात पे उपस्थित हैं कि सिंह राशि पे क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है गोचर के ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से। हम समय समय पर अनेक अनेक प्रकार के वीडियोज आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं, ये गोचर के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं कि राशि पर क्या प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न कर लेते हैं, कई बार लिख के भेजते भी हैं कि आप जो गोचर के दृष्टिकोण से पूरे विश्व को 12 जगह में कैसे बांट सकते हैं। देखिए, राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल समझा जा सकता है कि उसका प्रभाव है गोचर के दृष्टिकोण से। आपकी जन्मपत्री भी एक अलग प्रभाव उत्पन्न करती है, किस समय पर आप उत्पन्न हुए उसका एक अलग प्रभाव है, उसका एक अलग अलग प्रभाव है। लेकिन बाइफर्केशन 12 तरह से जो किए जा रहे हैं गोचर के दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध रूप से परिष्कृत रूप से वैज्ञानिक या सैद्धांतिक तौर पर है और उसका प्रभाव वैसा उत्पन्न होता है। तो आज हम सिंह राशि वाले के लिए संबंध में बात कर रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है उसकी स्थिति में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। बृहस्पति 31 तारीख से अस्त किस योग जो बना है वो विशेष तौर पर सूर्य के कारण से, सूर्य जो चलते हुए मीन राशि में बृहस्पति के साथ आ गए हैं और 12 अंश जो प्रभाव कम हो गया है, ऐसे में बृहस्पति का जो अस्त हो जाना है वो विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए हम कहेंगे कुछ अच्छा कुछ खराब। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति पिछले करीब करीब एक वर्ष से कई मामलों में थोड़ी परेशानी करने के योग तो दे रही थी, लेकिन कई मामलों में अच्छी भी थी, धन तो ला रही थी लेकिन साथ साथ परेशानी भी ला रही थी, कुछ खर्चे भी बढ़ा रखे थे। तो हम कहेंगे ये बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए कुछ अच्छा है और कुछ खराब तो है, थोड़ा सा कुछ कष्ट भी दे सकता है लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ दिन का समय बाकी है, सो कष्ट से निकाल लो चुपचाप करके, लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति परिवर्तन होकर 12 वर्ष बाद जहां आने वाले हैं वो भाग्योदय करने वाले हैं, आपके भाग्य से लाभ देने वाले हैं, हर चीज बहुत बढ़िया करने वाले हैं सिंह राशि वालों। मैं कहूंगा वो समय पहले से ही आ गया आपके लिए। बृहस्पति का जो अस्त होने से आपके लिए जो प्रभाव था वो बिल्कुल 21 तारीख के बाद तो बृहस्पति वहां पर पहुंच जाएगा 21 अप्रैल के बाद से, लेकिन उससे पहले बृहस्पति का जो अस्त हो जाना है आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है। केवल धन के मामले में थोड़ा सा सावधान हो सकता है कि कोई लोन सैंक्शन करने वाला हो उसमें कहीं कमी आ सकती है, धन की आमद में कहीं से पेमेंट आने वाली है उसमें कहीं कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत इनकम में कुछ फ्लो चल रहा है उनमें कहीं रुकावट आ सकती है, ऐसे में थोड़ा सा अपनी वाणी को ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। बृहस्पति के अस्त हो जाने से वाणी पर कुछ दोष उत्पन्न हो सकता है, ऐसे में थोड़ा सावधानी, मन में वीतरागिता उत्पन्न हो सकती है, मन में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, संसार से थोड़ी हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, ये भाव बृहस्पति के अस्त होने से यहां पर उत्पन्न हो सकता है। मन में वैराग्यता का उत्पन्न कर सकता है बृहस्पति यहां बैठकर। खर्चों में देखिए, बृहस्पति के अस्त हो जाने से क्या होगा कि थोड़े खर्चे और जुर्मानों में तो कमी अवश्य आती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में बृहस्पति का जो प्रभाव है आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है, ये थोड़ा सा एक विचित्र प्रभाव का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। कुटुंब परिवार में थोड़ा सा अनबन होने के योग बन सकते हैं, वो मन को अशांत कर सकता है, थोड़ा शांत होकर इन चीजों को सुलझाने का आपको प्रयास करना चाहिए सिंह राशि वालों। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ऐसे में नव वर्ष आरंभ हुआ है वैसे ही वो पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है, और पिंगल नाम का संवत जो है वो वैसे ही वही मनस उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, अंतर विरोध देता है, अशांति देता है, परस्पर विरोध देता है, मूल्यों में वृद्धि करता है, परस्पर राज्यों में विशेषतर संप्रदायों में और देशों में विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है, प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। तो ऐसे में इस समय में ये ग्रहों का परिवर्तन, चाहे वो बृहस्पति का अस्त होना, चाहे वो सूर्य की युति अगले महीने जो राहु के साथ होने जा रही है वो, ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो इन सब संबंधों में आपको समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, अपने ग्रहों को ठीक करने की आवश्यकता है। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको खास तौर पर कुछ उपाय कर लेने चाहिए जो आपके लिए बड़े श्रेष्ठ है। भगवान की आराधना सबसे बढ़िया है, भगवान की आराधना कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, गऊ के निमित्त हरा चारा, कभी कभी इन दिनों में गाय गौशाला में जाकर हरा चारा गाय को डाल दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। और साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं आप जो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, पीली चीजों का दान, पीले वस्त्र का दान, पीली मिठाइयों का दान,
विशेषतर ब्राह्मणों की सेवा करना, चने की दाल का दान करना, ये कुछ उपाय हैं जिनको कर आप इन सब स्थितियों में जो खराब हो रही है उनको ठीक करने की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन हमें एक बहुत अच्छी बात दिखाई देती है और वो मोटिवेट करने के लिए आपको भी अच्छी दिखाई देती है कि इसके बाद जो समय आने वाला है 12 वर्ष बाद बृहस्पति आपके भाग्य में जाने वाले हैं और वो आपके लिए पूरे वर्ष बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं कई प्रकार के। और ऐसे में आपको तैयारी रखनी चाहिए बृहस्पति के लिए, जो बृहस्पति जब अधूरे हो जाएंगे मई के पहले हफ्ते में, उसके बाद जो स्थिति परिवर्तन करेंगे बहुत कुछ आपके पूरे वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं बृहस्पति महाराज। ऐसे में अभी अपने मन को शांत रखते हुए वाणी से कुछ गलत बात ना निकले इस बात का ध्यान रखें। देखिए बृहस्पति जो है बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, और जब ज्ञान के देवता सूर्य के कारण से अस्त हो जाते हैं तो अज्ञानता का उदय हो जाता है, आलस्य का उदय हो जाता है और आपस में अंतर विरोध मन में उत्पन्न हो जाता है, मन में आनंद को खत्म कर देते हैं। जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं, किसी में चीज में भी मन नहीं लगता, मन भागता रहता है, डोलता रहता है इधर उधर। तो ऐसे में उस स्थिति से बचने के लिए आपको शांति के साथ जो उपाय हमने सब समझाने का प्रयास किया है वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वाणी के दोष से बिल्कुल बचते हुए काम करें, अन्यथा ये कष्ट कहीं ना कहीं आपको दुख दे सकता है। ऐसे में बृहस्पति का धन के संबंध में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया गौ सेवा, गाय को हरा चारा डालना, शुक्र का संबंध विशेष तौर पर धन से माना जाता है, ईश्वर से माना जाता है, और उसके निमित्त यदि आप ये उपाय कर लें तो हमारी मति के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में इन छोटे से उपायों को कर आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। एक बात और करें, ऐसे में स्वर्ण धारण करें, कोई ना कोई स्वर्ण की अंगूठी, चेन, कोई चीज आपको धारण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्वर्ण धारण करने से क्या होगा कि जो बृहस्पति का जो अस्त होने का प्रभाव है आपकी राशि के अनुसार से वो कम हो जाएगा, और बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपकी, इसलिए तो बहुत सारे नग धारण करते हैं ना हम लोग, उसका प्रभाव उत्पन्न करता है। तो शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण जो है वो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो अंगूठी या कोई चीज कर्ण कुंडल जो भी आप धारण कर सकते हैं शुद्ध सोने के रूप में, आर्टिफिशियल नहीं, सोने का धारण करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ा एक सुंदर कार्य कर सकता है, लाभ देने की स्थिति बना सकता है, कष्ट को दूर करने की निवृत्ति का योग बना सकता है। ऐसे में पीला खासतौर पर केसर का सेवन करना, केसर का तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगाना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। संवत जो 2080 आरंभ हुआ है वो वैसे ही कष्टकारी, और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना एक किसी प्रकार में शुभ योग नहीं दिखाई देता है। ऐसे में आपको इन सब उपायों को करके लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आमतौर पर कई लोगों का मत ये हो सकता है कि आप एक ग्रह पे बोल रहे हैं। जी हाँ, हम एक ग्रह पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से अगर जितना कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे तो फिर आप समझ में चीजें कैसे आएंगे। जन्मपत्री को तो विशेष तौर पे आप बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि बहुत वृहद इंटरप्रिटेशन चाहिए हर चीजों का, लेकिन हम जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं वो गोचर का प्रभाव बताने का प्रयास कर रहे हैं।